सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉली ग्रेटनेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्ट्रेस और बॉलीवुड की फ्यूचर क्वीन कृति सनन की अपकमिंग मूवीज के बारे में। और कृति सनन की आने वाली ये फिल्में 2022 से 2024 तक रिलीज कर दी जाएंगी। कृति सनन बॉलीवुड की लेडी अक्षय कुमार बनने के राह पर हैं, जिनकी 2022 में लगभग 5 फिल्में रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे अक्षय कुमार की 4 फिल्में ही रिलीज हो पाएंगी, वहाँ पे कृति सनन लगभग 5 फिल्में लेकर आने वाली हैं। तो बिना गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भौकाल बनाए रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। कैच। कृति सनन की फर्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है बच्चन पांडे। एक बिग बजट मल्टी स्टारर मास इंटरटेनर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं फरहाद सामजी। बात करें स्टार कास्ट की तो अक्षय कुमार, कृति सनन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वाची, प्रतीक बब्बर, पंकज त्रिपाठी, सरोज कुमार शुक्ला, अभिमन्यु सिंह और स्नेहा डब्बे इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में बॉबी देओल और रितेश देशमुख का कैमियो होने वाला है। फिल्म में अक्षय कुमार एक ऐसे गैंगस्टर बने हुए हैं जो एक्टर बनना चाहता है और अरशद वारसी अक्षय कुमार के जिगरी दोस्त के रोल में नजर आएंगे। वहीं कृति सनन एक ऐसे जर्नलिस्ट बने हुए हैं जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। साजिद नाडेडवाला के नाडेडवाला एंड ग्रैंडसन्स के बनने तले फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार 98 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं और इस फिल्म के दो मेन विलन से अभिमन्यु सिंह और स्नेहल डब्बी। 2014 में आई तमिल फिल्म जिगर थंडा का हिंदी अडाप्टेशन होने वाला है और ये फिल्म 18 मार्च 2022 को होली के खास मौके पर थिएटर्स में रिलीज कर दी जाएगी। सेकंड नंबर पर है आदि पुरुष। एक बिग बजट 3D पैन इंडियन मैथोलॉजिकल ड्रामा होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर है ओम राव, जिन्होंने तानाजी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म दिए हैं। फिल्म में कृति सनन, प्रभास, सनी सिंह, सैफ अली खान, अंगद बेदी और हेमा मालिनी इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। आदि पुरुष फिल्म रामायण पे बेस्ड होने वाली है। वैसे इंडिया में रामायण पे बेस्ड 3 फिल्में बनाई जा रही हैं। पहला तो आदि पुरुष, दूसरा सीता द इनकारनेशन, तीसरा रणवीर कपूर और ऋतिक रोशन के साथ ट्रायलॉजी फिल्म। फिल्म में प्रभास भगवान श्री राम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। सैफ अली खान एच लंकेश यानी कि रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। माता सीता का रोल प्ले कर रही हैं कृति सनन और श्री राम के भाई लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं सनी सिंह। अंगद बेदी रावण के बेटे मेघनाथ का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा हेमा मालिनी माता कौशल्या का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी। बात करें रिलीज डेट की तो ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये फिल्म दशहरा 2022 के मौके पर या फिर दिवाली 2022 के मौके पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को 500 करोड़ के बजट में बनाया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा वीएफएक्स के लिए यूज होने वाला है। इस फिल्म के लिए प्रभास 150 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो वहीं पहली बार इंडिया में मोशन कैप्चर का यूज होने वाला है। आपको बता दें कि मोशन कैप्चर का यूज एवेंजर्स और अवतार जैसी हॉलीवुड फिल्मों में किया गया है। एक मल्टीलिंगुअल फिल्म होने वाली है, जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी लैंग्वेज में भी रिलीज कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर पर है शहजादा। एक फैमिली एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रोहित धवन, जिन्होंने देसी बॉयज और ढिसुम जैसी फिल्में बना चुके हैं। फिल्म में कार्तिक आर्यन, कृति सनन, परेश रावल, मनीषा कोयराला, रोनित रॉय और सचिन खेड़कर लीड रोल्स में नजर आएंगे और ये 2020 में आई ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म अल्लाह वेकुंठपुरमलु का हिंदी रीमेक होने वाला है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े लीड रोल्स में नजर आए थे। फिल्म में अल्लू अर्जुन वाला रोल प्ले करेंगे कार्तिक आर्यन और पूजा हेगड़े वाला रोल प्ले करेंगे कृति सनन और तब्बू वाला रोल प्ले करेंगे मनीषा कोराला। इसके अलावा फिल्म में अल्लू अर्जुन भी एक कैमियो करते हुए नजर आ सकते हैं और ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को थिएटर्स में रिलीज कर दी जाएगी। फिल्म को म्यूजिक देंगे प्रीतम और इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं सुदीप चटर्जी, जो बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और धूम 3 के सिनेमेटोग्राफर रह चुके हैं। और ये फिल्म टी सीरीज, अल्लू एंटरटेनमेंट, ब्रैड फिल्म और हारिका एंड हैसन क्रिएशंस के बैनर तले बन रही है, जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। फोर्थ नंबर पर है भेड़िया। एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अमर कौशिक, जिन्होंने स्त्री और बाला जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। फिल्म में वरुण धवन, कृति सनन, अभिषेक बैनर्जी और दीपक डोबरियाल लीड रोल्स में नजर आएंगे और ये फिल्म दिनेश विजन के हॉरर यूनिवर्स की थर्ड फिल्म होगी। इससे पहले स्त्री और रोई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। भेड़िया फिल्म के बाद आएगी मुंजा और फिर मिलेगा हमें हॉरर यूनिवर्स का
फाइनल पार्ट यानी कि स्त्री 2 जहां से सब स्टार्ट हुआ था स्त्री फिल्म से। बात करें रिलीज डेट की तो ये फिल्म 25 नवंबर 2022 को थिएटर्स में रिलीज कर दी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि वरुण धवन और कृति सनन इससे पहले दिलवाले में साथ नजर आए थे। फिल्म को म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने। अपन का दो बाप है, गॉड और जनता, दोनों ने बोला आने को तो अपन आ रहे हैं। फिफ्थ नंबर पर है गणपत पार्ट 1। एक एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होने वाली है और डायरेक्टर हैं विकास बहल। फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सनन लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक बॉक्सर का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक्शन तो करते हुए नजर आएंगे लेकिन इस बार कृति सनन भी जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की कहानी 2090 में सेट है जिसकी शूटिंग अफ्रीका, सिंगापुर और लंदन जैसे कंट्रीज में होने वाली है और ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ टाइटल रोल गणपत का रोल प्ले कर रहे हैं और कृति सनन जस्सी का रोल प्ले कर रही हैं और ये फिल्म 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस के खास मौके पर रिलीज कर दी जाएगी। सिक्स नंबर पर है आर स्टेडियम 2 यानी कि रहना है तेरे दिल में 2 और ये 2001 में आई हिट फिल्म रहना है तेरे दिल में फिल्म का सीक्वल होने वाला है और अब लगभग 20 सालों के बाद इस फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा है। पहले मेकर्स ओरिजिनल कास्ट सैफ अली खान, दिया मिर्जा और आर माधवन के साथ ये फिल्म का सीक्वल लेकर आ रही थी लेकिन बात बन नहीं पाई और अब मेकर्स एक फ्रेश स्टोरी के साथ इस फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रवि उद्यावर। एक रोमांटिक लव ट्रायंगल ड्रामा होने वाली है। फिल्म में विक्की कौशल और कृति सनन लीड रोल्स में नजर आ सकते हैं। वहीं सेकेंड लीड एक्टर के लिए तलाश अभी जारी है और ये फिल्म पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है जिसे 2023 में फ्लोर पर ले जाया जा सकता है। कृति सनन के 7th अपकमिंग मूवी के अपडेट से पहले अगर आप ऐसे बॉलीवुड के अपकमिंग मूवीज पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7th नंबर पर है लुका छुपी 2। एक रोमांटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं लक्ष्मण उत्तेकर। फिल्म में एक बार फिर से कार्तिकारन और कृति सनन लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म में हमें कंटिन्यू स्टोरी दिखाई जाएगी पार्ट 1 के बाद की। फिल्म में हमें कार्तिकारन और कृति सनन का डिवोर्स होते हुए दिखाया जाएगा जहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। इस डिवोर्स के बारे में कार्तिकारन और कृति सनन के फैमिली को दोनों को ही नहीं पता है। प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने कहा है कि फिल्म का सीक्वल पर काम किया जा रहा है और जल्दी फिल्म फ्लोर पर जाएगी। 8th नंबर पर है किल बिल रीमेक। ये क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है और 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म किल बिल का हिंदी एडाप्टेशन होने वाला है। फिल्म में कृति सनन लीड रोल में नजर आएंगे और इस फिल्म को हिंदी में एडेप्ट कर रहे हैं अनुराग कश्यप जो इस फिल्म को डायरेक्शन भी देने वाले हैं और प्रोड्यूसर हैं निखिल द्विवेदी। फिल्म की कहानी एक खतरनाक महिला की है जो अपने बदले के लिए लोगों को बुरी तरह से मारती है। 9th नंबर पर है हाउसफुल 5। ये इंडियन सिनेमा की बिग बजट मल्टी स्टार कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। साजिद नडेलवाला ने कंफर्म किया है कि हाउसफुल सीरीज के सारे एक्टर्स को हाउसफुल 5 में कास्ट किया जाएगा और फिल्म के स्टार कास्ट कुछ ऐसी हो सकती है अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, कृति सनन, पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडिस और कृति सनन। इसके अलावा और भी स्टार्स नजर आ सकते हैं। फिल्म के स्क्रिप्ट पे काम किया जा रहा है। अपन का लव स्टोरी इधर से शुरू हुआ। 10th नंबर पर है गणपत पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, गणपत का फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है। मेकर्स इस फिल्म को दो पार्ट्स में लेकर आने वाले हैं और इस फिल्म के भी डायरेक्टर हैं विकास बहल। फिल्म की स्टार कास्ट भी सेम ही होने वाली है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर कैसे बनते हैं ये गणपत पार्ट 2 की स्टोरी हो सकती है। 11th नंबर पर है क्रिस 4। एक बिग बजट साइफाई सुपर हीरो फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राकेश रोशन। फिल्म में ऋतिक रोशन एक बार फिर से कृष्णा एज क्रिस का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट होगा और जादू की वापसी होगी। फिल्म में राकेश रोशन एक फीमेल सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके लिए राकेश रोशन की पहली पसंद है कृति सनन और उसके बाद दीपिका पादुकोण। वहीं लीड एक्ट्रेस के लिए कियारा आडवाणी, उर्वशी रतेला, यामी गौतम जैसे स्टार्स को कास्ट किया जा सकता है। 12th नंबर पर है बड़े मियां छोटे मियां। एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर। फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ लीड रोल्स में नजर आएंगे। वहीं फीमेल लीड एक्ट्रेस के लिए कृति सनन का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा आलिया भट्ट,
दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स का भी नाम सामने आ रहे हैं। अब इसमें से कौन फाइनल होगा ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये थी कृति सनन की अपकमिंग मूवीज की कंप्लीट लिस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट दे दी है, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं।